सब कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल IT डेली जॉब अपडेट पर। गाइस मारुति सुजुकी कंपनी की तरफ से मई में एक खुशखबरी निकल कर आ रही है। ITA पास आउट वे छात्र जिन्होंने TW का फॉर्म सितंबर अक्टूबर नवंबर तक डाला था या दिसंबर तक हम बोल सकते हैं 2021 में, उन छात्रों को भी बुलाया जा रहा है। काफ़ी सारे छात्रों का 2 मई और 4 मई को जो है इंटरव्यू हो गया है। इंटरव्यू के लिए मैसेज आना शुरू हो गए हैं। कभी इंटरव्यू के लिए मैसेज आते हैं, कभी कॉल आते हैं। अगर आपका नंबर चालू नहीं है तो पर्सनल नंबर जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया था उस नंबर को चालू करवा लीजिएगा और मोबाइल को अपडेट अपना चेक करते रहिएगा। मैसेज जो आएगा, मेल नहीं आएगा, मैं कम्प्लीटली आपको बता दूं, टेक्स्ट मैसेज कंपनी की तरफ से आ रहा है जिसमें कंपनी दे रही है आप लोगों को कंपनी इंटरव्यू का एड्रेस, जहां पर आपको चले जाना है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के, जिसमें आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो अपडेट करवा लो, ITA की मार्कशीट ओरिजिनल इशू नहीं की है, या आपका कोई भी प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स में तो उस सबको सही करवा लो, और बीमारियों से भी दूर रखो। COVID-19 टेस्ट जो होता है अभी भी होता है, याद रखिएगा। और अगर आपकी RT-PCR रिपोर्ट में आप पॉजिटिव पाए जाते हैं, या आपके ग्रुप में से जैसे 6 जनों को वो गेस्ट हाउस में रुकवा रहे हैं, तो आपके ग्रुप में से कोई भी पॉजिटिव पाया जाता है तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आपको वापस भेज दिया जाएगा। ये अपडेट आपको मिली है हमारे चैनल के थ्रू, जहां पर मिलती है 100% कैंपस प्लेसमेंट हर रोज़। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही अपडेट हर महीने हर दिन पाने के लिए चाहे पूरे भारत में कहीं पर भी ITA पास आउट छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट लगाए जाते हैं तो मैं हमारे चैनल पर हर रोज़ वीडियो डाल रहा हूं। साथ ही गाइस न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी की तरफ से राजकीय ITA पांडुनगर कानपुर में सीधी भर्ती चल रही है। किसके लिए? न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी की तरफ से ITA पास, डिप्लोमा पास, BTech पास तीनों छात्र छात्राएं जा सकती हैं, तो उस भर्ती में भी चले जाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कैंपस प्लेसमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।